इंदौर थाना क्षेत्र के हरिजन कॉलोनी में प्रॉपर्टी विवाद के चलते एक भाई ने दूसरे भाई पर चाकू से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। वही बीच बचाव करने आए भाभी और मां पर भी चाकू से हमला किया, जिन्हें उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला जूनी इंदौर थाना क्षेत्र के हरिजन कॉलोनी में रहने वाले संतोष डागर ने प्रॉपर्टी विवाद के चलते बड़े भाई रिंकू डागर, भाभी और मां पर चाकू से हमला किया, जिन्हें घायल अवस्था में निजी अस्पताल ले जाया गया था। वही उपचार के दौरान रिंकू की मौत हो गई। वही मां और भाभी गंभीर रूप से घायल है, जिनका उपचार निजी अस्पताल में किया जा रहा है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया है। वही हत्या का प्रकरण दर्ज कर आरोपी संतोष की तलाश शुरू कर दी है। ये थाना जूनी इंदौर स्थित बी के हरिजन कॉलोनी निवासी संतोष डागर ने तकरीबन 10 बजे की घटना है, पारिवारिक विवाद को लेकर अपने ही छोटे भाई रिंकू डागर, पिता रंबू डागर को चाकू मारा और जिसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल द्वारा जो है संमृत घोषित किया गया। संतोष ने अपनी ही माँ राजू भाई और रिंकू की पत्नी को भी चाकू मारा। संतोष की माँ जिसका इलाज जो है ना वो अनंत अस्पताल में चल रहा है,